नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर का बोर्ड परीक्षा 2021 में दिए थे, वे जो है किसी कारणवश एक या दो सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से राहत भरी खबर जो है निकल कर आ रही है। क्योंकि जो है कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर को देखते हुए बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर के छात्र हित में जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो यहाँ पर निर्णय लिया है। और जो भी छात्र एवं छात्राओं ने यहाँ पर मैट्रिक इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा के इंतजार में बैठे हुए हैं, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो है बहुत ही बड़ी जो यहाँ पर खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब जो यहाँ पर मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा को जो यहाँ पर रद्द कर दिया गया है और बिहार बोर्ड ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि मैट्रिक इंटर में जो भी छात्र एवं छात्राओं ने दो सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में फेल गए हैं, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं को जो यहां पर ग्रेस अंक देकर पास कराने की यहां पर निर्णय जो है ले लिया गया है। और रिजल्ट जारी करने का भी यहां पर तिथि जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से भी जारी कर दिया गया है। फेल छात्र एवं छात्राओं के लिए किस डेट को कितने बजे जो है रिजल्ट को जारी किया जाएगा, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों की फुल प्रोसेस के साथ में बताने वाला हूँ। ये वीडियो जो है कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन जो है इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू जरूर देखेगा। स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों की मैं जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू जरूर देखेगा। इसे यहां पर आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यहां पर नोटिफिकेशन जारी कर यहां पर साफ साफ बताया है कि यहां पर ग्रेस मार्क्स देने पर विचार 26 मई के बाद बोर्ड लेगा निर्णय। अब देखिए यहाँ पर कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते हुए मद्देनजर को देखते हुए यहाँ पर बिहार बोर्ड ने यहाँ पर अहम बड़ी फैसला जो यहाँ पर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंटल की परीक्षा को लेकर संशय। अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर राहत भरी खबर जो है ये निकल कर आ रही है। जैसे मैं यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर साफ साफ बताया है कि जिले के करीब 8000 स्टूडेंट इंटर कंपार्टमेंटल एवं 5000 से अधिक मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा के इंतजार में जो है सभी छात्र एवं छात्राओं ने जो है बैठे है। अब देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड ने साफ साफ जो यहाँ पर बताया है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अगले कुछ दिनों में छात्र हित में निर्णय ले सकती है। सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा को अगले आदेश तक जो है बोर्ड ने निरस्त कर दिया है। जैसे मैं आप लोगों को पता होंगे अगर 26 मई के बाद भी यह स्थिति रहती है तो 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा को रद्द करते हुए बोर्ड पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्रेस मार्क्स देकर रिजल्ट घोषित कर सकता है। अगर यहाँ पर 26 मई के बाद भी यह स्थिति रहती है तो यह फैसला बिहार बोर्ड ने ले लेंगे, ग्रेस मार्क्स देकर जो है यहां पर रिजल्ट घोषित कर सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उन छात्र को ग्रेस अंक देने का फैसला ले सकती है जो कंपार्टमेंटल परीक्षा में उपस्थिति होने के पात्र थे। आने के उन्हीं छात्र एवं छात्राओं को जो यहाँ पर ग्रेस अंक मिलेगा जो यहाँ पर कंपार्टमेंटल परीक्षा में उपस्थिति होने के पात्र थे, उन्हीं छात्र एवं छात्राओं को जो यहाँ पर ग्रेस अंक देकर रिजल्ट को घोषित किया जाएगा। हालांकि इसके लिए बोर्ड को प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री के पास जो है भेजना होगा। अगर इस प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग ने अपनी सहमति जताती है तो इस वर्ष भी ग्रेस मार्क्स अंक देकर पास करने का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन कोरोना काल में कंपार्टमेंटल परीक्षा न कराने को देखते हुए यह फैसला लेने की जो यहाँ पर तैयारी की जा रही है। बोर्ड सूत्रों का मानना है कि अभी कोरोना के चलते 2-3 माह के बाद ही कंपार्टमेंटल परीक्षा हो सकती है। जैसे मैं आप लोगों को पता होंगे कि कोरोना वैश्विक महामारी को बढ़ते हुए मद्देनजर को देखते हुए बिहार सरकार ने 25 मई तक जो यहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी के आलोक में यहां पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो यहाँ पर यह फैसला लिया है कि यहाँ पर सूत्रों की मानना है कि अभी कोरोना के चलते 2-3 माह के बाद ही यहाँ पर कंपार्टमेंटल परीक्षा हो सकती है। रिजल्ट जारी होते होते जुलाई अगस्त हो सकता है। मैट्रिक एवं इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा के परीक्षार्थियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां उन्हें परीक्षा की तैयारी को लेकर चिंता सता रही है, वह दूसरी तरफ परीक्षा को लेकर भी संशय बना हुआ है। सरकार के दिए गए नए निर्देश में कई परीक्षाओं को रद्द किया गया है, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाओं को अभी तक इस निर्देश में बाहर रखा गया है। सरकार के नए निर्देश के बावजूद जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखकर परीक्षार्थियों को परीक्षा की संभावना कम दिखने लगी है। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कहना है कि
उक्त दोनों परीक्षाएं अगले आदेश तक निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में आप लोग को पता होंगे कि बिहार बोर्ड द्वारा जो अप्रैल मंथ में जो है तीन परीक्षाएं को जो है रद्द कर दिया गया, यहाँ पर अगले आदेश तक जो है निरस्त कर दिया गया। कंपार्टमेंटल परीक्षा को लेकर इंटर एवं मैट्रिक के परीक्षार्थियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर आवेदन कर दिया है। परीक्षार्थी शुभम कुमार ने बताया कि कोरोना काल ने एक साल पढ़ाई को पीछे कर दिया है, अब लगता है इस साल और रुलाएगा। तैयारी नहीं होने से परीक्षा में बेहतर परिणाम नहीं आया, इस कारण अब कंपार्टमेंटल परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरना पड़ा है। लेकिन इस परीक्षा की तैयारी के लिए भी ना तो स्कूल खुला है और ना ही कोचिंग संस्थान, पिछली बार की तरह ही स्थिति बनी हुई है। इसके बावजूद भगवान का नाम लेकर घर पर रहकर हम लोग तैयारी कर रहे। छात्रा रोशनी झा ने बताया कि किसी कोचिंग संचालक से मोबाइल पर बात करने पर वह पढ़ाने से साफ मना कर दे रहे। उनका कहना है कि जिला प्रशासन का कोचिंग संस्थान को बंद रखने का यहां पर सख्त निर्देश है, कोचिंग की जांच हो रही है, कोचिंग संस्थान के खुले पकड़े जाने, प्राथमिकी दर्ज करने की भी यहां पर बात कही जा रही है। ऐसे में कौन पढ़ाकर मुसीबत मोल लेगा। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए होम ट्यूशन के लिए भी शिक्षक नहीं मिल रहे, ऐसे में परीक्षा की तैयारी करना काफी मुश्किल हो गया है। जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल से इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा होनी थी, इसके लिए केंद्रों का निर्धारण भी कर लिया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण परीक्षा निरस्त कर दिया गया। बताते चले कि इंटर कंपार्टमेंटल में करीब 8,000 एवं मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में करीब 5,000 से अधिक छात्र एवं छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होना था। ये जो है मैं एक डिस्ट्रिक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, अगर पूरे बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में जो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अभिभावकों का कहना है कि परीक्षा रद्द कर दी जाती तो आगे की तैयारी की जाती, लेकिन अब परीक्षा कब होगी इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति कायम है। सरकार एवं जिला प्रशासन की ओर से कंपार्टमेंटल परीक्षा की तैयारी को लेकर कोई निर्देश जो है नहीं आ रहा है। छात्रों को कहना था कि सरकार एवं जिला प्रशासन को कंपार्टमेंटल परीक्षा को देखते हुए परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य एवं हित में कोई ठोस निर्णय जो है यहाँ पर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ग्रेस अंक क्या है, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर जो है साफ साफ बताया गया है कि क्या है ग्रेस मार्क्स पॉलिसी। अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, विद्यालय परीक्षा समिति ने ग्रेस मार्क्स पॉलिसी वर्ष यहाँ पर देख सकते 2017 में लागू की थी। इसके तहत अगर कोई स्टूडेंट किसी विषय में कुछ अंकों से फेल होता है तो वह जो है यहाँ पर बोर्ड उसे अतिरिक्त अंक देकर पास कर देता है। लेकिन जो यहाँ पर अगर स्टूडेंट एक विषय में फेल है तो उसे अधिकतम 8% यानी कि यहाँ पर 8% तक ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। वही अगर दो विषय में फेल है तो उससे जो यहाँ पर एक विषय में अधिकतम 4% जो यहाँ पर 4 अंक जो यहाँ पर तक देकर यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। बिहार बोर्ड ने हर बोर्ड की तरह एक पासिंग क्राइट एरिया जो यहाँ पर बना रखा है, जिसके मुताबिक हर छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लाने होते हैं। बताते चले कि जिले के करीब 8,000 स्टूडेंट इंटर कंपार्टमेंटल एवं 5,000 से अधिक मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा के इंतजार में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बिहार बोर्ड ने यहाँ पर 26 मई को जो यहाँ पर निर्णय लेंगे, यानी कि यहाँ पर मैट्रिक इंटर में जो भी छात्र एवं छात्राओं ने एक दो सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं या जो भी छात्र एवं छात्राओं ने यहाँ पर कंपार्टमेंटल परीक्षा का फॉर्म फिलअप कर चुके हुए जो है कंपार्टमेंटल परीक्षा के इंतजार में बैठे हुए हैं, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं को जो यहाँ पर ग्रेस मार्क्स देने पर जो यहाँ पर 26 मई को जो यहाँ पर विचार किया जाएगा। अगर जो इस लॉकडाउन को आगे की तरफ 25 मई के बाद जो है लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है तो 26 मई को बिहार बोर्ड ने निर्णय ले लेंगे। 10वीं एवं 12वीं के फेल छात्र एवं छात्राओं को ग्रेस अंक देकर पास करा दिया जाएगा और दोबारा रिजल्ट जो यहां पर घोषित कर दिया जाएगा। आप लोग आसानी से बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। 26 मई के बाद जो यहां पर साफ साफ जो यहां पर बताया गया है और यहां पर ग्रेस अंक देकर पास कराया जाएगा तो यहां पर जो भी छात्र एवं छात्राओं ने कंपार्टमेंटल परीक्षा का फॉर्म फिलअप किए हैं जितना पैसा जो आप लोगों को लगा है वे पैसा जो है वापस कर दिया जाएगा और आप लोगों की यहां पर पास करा दिया जाएगा। ये फैसला जो है बिहार बोर्ड ने 26 मई को लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।